जहां की संस्कृति कालजयी संस्कृति है, जिसके आदि और अंत का कोई ज्ञान नहीं, जो अनंत है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जिसकी मूल भाव है कि सभी सुखी रहें, सभी प्रसन्न रहें, सभी आनंद में रहें, किसी को दुख देखने को न मिले, सुख के कोई दर्शन न करे, सुख के सदैव दर्शन हो तो भगवान के साथ लिपटा हुआ, वह ऐसा सुख भी नहीं चाहिए, सारा वैभव सारा सुख देना, पर याद रहे इशारा कि मुझे सब वैभव तो मिले, सुख तो मिले, लेकिन मुझे वो सुख के दर्शन नहीं करने जहां ईश्वर से मेरा विसार हो जाए, क्योंकि आनंद और सुख का मतलब तो कृष्ण है, इसके अलावा यदि कोई सुख है तो वो दर्शन नहीं है, वो मुझे नहीं चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया। मेरा अपना घर नहीं, मेरा अपना मोहल्ला नहीं, मेरा अपना गांव नहीं, वसुधैव कुटुंबकम, ये संपूर्ण धरती, ये सारे देश, सारी सृष्टि मेरा अपना कुटुंब है, हम सब एक ही परम ब्रह्म की संतान हैं। जो दिख रहा है वो भी और जो नहीं दिख रहा है वो भी, वो सब में पसर गया, वो सब में फैल गया। मह तो महियान अरोणियान, वो खंड खंड हो गया, बिखर गया, ब्रज की रज रेणु में चला गया, एक छोटा सा गोलमोल कंकड़ जिसे भोले शिव मान लेते हैं, और एक साधक अपना पूरा जीवन उसके साथ रह के आनंद का अनुभव करता है। एक छोटा सा सालेग्राम, उसमें अपने इष्ट के दर्शन कराने वाली ऐसी संस्कृति, ऐसा धर्म, जहां 24 अवतार हैं, वामन जो एक पग में पूरी धरती को नाप दे और दूसरे पग में तीनों लोकों के सुखों को हेर ले, और तीसरे पग में वो जो सब कुछ लिया उसे दोना करके, तिगुना करके, चौगुना करके, अनंत करके, और आंखों में आर्द्र भाव लेके उस बलि को वापस कर दे, या कि वो राम जो बंदर भालुओं को अपने प्रेम पास में बांध ले और उस विराट समुद्र की छाती पर अपने प्रेम के बंधन से उसकी छाती को पाट दे, राम सेतु बना दे, पुरुषार्थ के गीत गाए वो कृष्ण जो ब्रज के भोले वाले दूध काढ़ने वाले ब्रजवासियों को अपने प्रेम में, अपने आकर्षण में बांध ले और कनिष्ठी पर गोवर्धन को उठा ले कि तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा, तुम्हें कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, भयभीत होने की जरूरत नहीं, जिसके स्मरण मात्र से भय नष्ट हो जाए, ऐसा कृष्ण मेरे भक्त को कोई त्रास दे कैसे सकता है, या वो निशंग जो अपने भक्त की रक्षा के लिए ऐसा रौद्र रूप धारण कर ले, जिसे क्रोध कभी नहीं आता, जो क्रोध को बुलाने के लिए कई बार तीन तीन चार चार दिन की प्रतीक्षा करता है, वो बड़ा क्रोधित हो जाता है, ऐसे अवतारों की भूमि ये भारत भूमि, जो ऋषि मुनि महापुरुष साधुओं से भूषित है, अलंकृत है, इसके गहने हैं ये साधु, ये संत, ये कुंभ के मेले, ये साधुओं की टोलियां इसके आभूषण हैं। शिव पे चढ़ाने के लिए बड़े दूर से ला रहे, वो गंगा का जल के शिव पे चढ़ाएंगे, उसे धरती से छुआ लाया नहीं गया है, कहीं स्पर्श नहीं किया गया है, बड़ी कठिनाई से लाया गया वो जल कि धरती से छू ना जाए, ये शिव पे चढ़ाया जाएगा,
लेकिन जब रास्ते में देखा कि गर्दभ प्यास से अपने प्राण त्याग रहा है, तो वो महनीय तपस्या का जल उसके कंठ में उड़ेल दिया। किसी ने कहा, एकनाथ तू ये क्या कर रहा है? ये तो भारी तपस्या का जल है, ये तो बड़ा तेज का जल है, ये शिव के लिए है, शिव पे चढ़ाना है, शिव इससे प्रसन्न होंगे। वो संत बोला कि शिव जब रीझेंगे पहले इस गर्दभ के जाते हुए प्राण तो बचे। ऐसे एकनाथ की धरती, या वो भैंसे से वेद बुलवा दे। ऐसे संतों की भूमि प्रातः स्मरणीय वंदनीय है, और उसमें भी आज हम सब लोगों का कैसा भाग्य जागृत हुआ है कि इस कुंभ के महायोग में कैसे यहां एक समय आप ही की तरह कुछ संत एक साथ बैठ गए होंगे और एक एक महा अनुष्ठान का प्रारंभ किया होगा। कैसा ज्ञान का वो मुहूर्त रहा होगा जो अविचलित है, अभी तक हमें पोषित कर रहा है। यहां निश्चित रूप से आपको आने का कोई कारण बन गया, मैंने बुलाया, उसने भेजा, उसने कहा, आपका मन हुआ, लेकिन अंदर डटोलिएगा तो कहीं ना कहीं आपके अंदर इच्छा थी और नारायण की कृपा से वो इच्छा पूरी हुई। उसमें भी ये प्रांगण महाराज श्री सुदामा दास जी की पुण्य से जो उदित हुआ है,